हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में जो कि हमारे लोकोक्तियों का भाग 3 है, इसके अंदर और भी लोकोक्तियों के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लोकोक्तियों के बारे में। अभी हमें देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति अब हम यहाँ पर जो है लोकोक्ति देखते हैं। पहली जिसे कि मैं यहां पे देख लेती हूं, बंदर क्या जाने, बंदर क्या, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो गुणों के बारे में जानकर नहीं, उसे गुणों की कोई पहचान नहीं, गुणों का महत्व नहीं उसे नहीं पता। मूर्ख व्यक्ति गुणों का सम्मान, मूर्ख व्यक्ति गुणों का सम्मान नहीं करना जानता, नहीं करता। अब उसके जो हम वाक्य लिख लेते हैं, गरिमा धार्मिक पुस्तकें तो खरीद कर ले आई, खरीद कर ले आई, ले आई, लेकिन वह इन्हें लेकिन वह इन्हें पढ़ेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। गरिमा धार्मिक पुस्तकें तो खरीद कर ले आए, लेकिन वह इन्हें पढ़ेगी नहीं, क्योंकि क्योंकि सभी को पता है, सभी को पता है कि उसकी रुचि इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। यह तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली बात है, यह तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली बात है, अदरक का स्वाद वाली बात है। इसके बाद हम दूसरी लोकोक्ति देखते हैं, जिसे कि मैं कहती हूं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कि एक घर ना टिकने के कारण
अस्थिरता ना होने के कारण ना हम इस यहाँ के रह जाते हैं और ना ही वहां के किसी भी एक जगह के भी हम नहीं रह जाते। अब हम इसका मीनिंग लिखते हैं, अस्थिरता के कारण कहीं का भी ना रहना, अब हम इसका जो है वाक्य बना लेते हैं। राम के लालच में घर से भी खाना खाकर नहीं आया और दफ्तर में पार्टी भी नहीं हुई, राम पार्टी के लालच में घर से भी खाना खाकर नहीं आया और दफ्तर में पार्टी भी नहीं हुई। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना ऑफिस में खाने को मिला और ना ही घर से खाकर आया। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी लोकोक्ति। अब हम अगला लिखते हैं, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए सहज मतलब अपने आप, अगर कोई सा भी फल अपने आप पकता है पेड़ में तभी वो मीठा होता है। अगर हम तोड़ के रखे के पका ले या फिर हम गैस के द्वारा आजकल बहुत फल पकाया जाते वैसे पका तो मीठा नहीं होता। इसका मतलब है धीरे धीरे किए गए काम का फल है जो अच्छा होता है, जल्दबाजी में नहीं। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे किए गए कार्य ही अच्छे होते हैं। धीरे धीरे किए गए कार्य ही अच्छे होते हैं। अब मैं इसका जो है वाक्य लिख लेती हूं, किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि
बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बिगड़। किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जल्दबाजी से काम बिगड़ जाते हैं। कहा भी गया है, कहावत भी है, कहावत भी है, सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए। अब इसके बाद हम अपना अगले अवलोकन देखते हैं अपनी, जिसे कि अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कि कोई भी व्यक्ति, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, कोई भी अकेला व्यक्ति किसी भी बड़े कार्य को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई भी अकेला व्यक्ति किसी बड़े कार्य को अकेला कोई भी अकेला व्यक्ति किसी भी बड़े कार्य को नहीं कर सकता। इसका वाक्य बना के लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर। हम सभी को मिलकर, हम सभी को मिलकर उत्सव की तैयारी करनी होगी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अब मैं यहां पर अपना पांचवी लोकोक्ति लिखती हूं, जिसे कि मैं यहां पे लिख लेती हूं। अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि जो कम पढ़ा लिखा, जो कम ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी बातें जो बहुत बड़ी चढ़ी होती है, वो जो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञानी व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, अब हम इसका मुहावरा लिख लेते हैं, अब हम इसका जो वाक्य लिख लेते हैं यहां पर, अजल गगरी छलकर जाए का वाक्य लिखते हैं। चार
याद करके, याद करके तुम, चार प्रश्न याद करके तुम स्वयं को पढ़ाकू समझने लगे हो, पढ़ाकू समझने लगे हो। यह तो अज्जल गगरी छलकर जाए वाली बात है। यह तो अधजल, अधजल यानी आधा भरा हुआ, जिसमें आधा भरा हुआ जल होता है वैसी गगरी, यानी अज्जल गगरी। यह तो अज्जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कम ज्ञानी व्यक्ति जो अपनी बातों को जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। चार प्रश्न याद करके तुम स्वयं को पढ़ाकू समझने लगे हो। यह तो अज्जल गगरी छलकर जाए वाली बात है। तो उम्मीद है ये लोकोक्तियां जो हमने इस वीडियो में पढ़ी आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी, उन्हें पढ़ने में बहुत आपको मजा भी आया होगा। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, आपका अपना चैनल।